बेटा कल हमने यहाँ पे देखा कि हीट और टेम्परेचर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज हमने वहां पे कल देखी। अब यहाँ पे इससे आगे अगर हम देखें कि भाई जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब कि कल हमने यूनिट ऑफ हीट भी देखे थे, तो यूनिट ऑफ हीट तो सीजीएस यूनिट उसका क्या था, तो सीजीएस यूनिट उसका था कैलोरी। ओके, सीजीएस यूनिट उसका क्या था, कैलोरी, कि हीट को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। और उसका हमने एसआई यूनिट भी देखा था, तो एसआई यूनिट क्या था, तो एसआई यूनिट हमने वहां पे लिया था जूल, मतलब कोई भी एनर्जी आप लोगों ने अब तक जो एनर्जी और जो वर्क आप पढ़े हो तो उसमें आपने देखा है कि वो किस में मेजर्ड होता है, तो वो जूल में मेजर्ड होता है। तो मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ हीट है, ओके, या कोई भी एनर्जी है या वर्क है, वो किस में मेजर्ड होता है, जूल में मेजर होता है। तो इसपे से ये जो जूल है, ये जूल साइंटिस्ट है कि जिसने फर्स्टली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं और कैसे हाउ द वर्क मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो मैकेनिकल वर्क है वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको सबसे पहले उसने इंटरप्रिटेड किया। तो इसपे से हम यहाँ पे कुछ समझते हैं कि भाई ये जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है। अब मैकेनिकल आता है मतलब वहां पे क्या हुआ, वर्क हुआ। कि जैसे हम नॉर्मल सा मैं कोई एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि जस्ट सपोज आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जॉगिंग कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। अब जब आप वर्क कर रहे हो तो आपको आपकी बॉडी में जॉगिंग करते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में आपको हीट महसूस होती है जिसकी वजह से हमको पसीना निकलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क किया हमने, यहाँ पे क्या किया, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ने क्या किया, तो वर्क किया। और वो जो वर्क हमने किया वो एक्चुअली हमारे बॉडी में किस में कन्वर्ट हुआ, तो हमारी बॉडी में हीट में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। और ये जो हीट हमारी बॉडी की हीट बढ़ी, जिसको बॉडी नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करता है, तो वो नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में से वहां से पसीना निकलता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो हमको पता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होगा। अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी खुद ब खुद क्या करेगी, तो बॉडी खुद ब खुद वहां पे टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए अपने आप वहां पे पसीना निकलेगा, जिससे पसीने के थ्रू जो ये टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल हमने क्या समझा कि भाई जो हमने वर्क किया वो वर्क एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया, तो वो वर्क कन्वर्ट हुआ हीट में। मतलब आप ज्यादा भागते हो, ठीक है, आप तेज भागते हो, तेज भागते हो तो आपकी बॉडी ज्यादा पसीना निकालती है। तो क्यों ज्यादा पसीना, क्योंकि आप ज्यादा वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से वहां पे ज्यादा पसीना होता है। आप स्लो चल रहे हो, ठीक है, आप स्लो जॉगिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे वर्क भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वर्क कम हो रहा है, तो वहां पे हीट भी जो प्रोड्यूस होगी वो हीट भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम इंक्रीज होगा, तो वहां पे बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए कम पसीना निकलता है। तो ऐसे सिंपली अगर हम इसमें समझे तो हमने क्या समझा कि भाई जो वर्क हमने किया वो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले ये रिलेशन किसने डेवलप किया, तो सबसे पहले ये रिलेशन जूल ने डेवलप किया, जिससे हम उसको बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट,
ही एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड प्रोड्यूस हीट। सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जूल्स ने यहाँ पे क्या किया, तो वर्क डन और हीट के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया। वो रिलेशन हम यहाँ पे समझेंगे। तो वो रिलेशन क्या है, तो व्हेनेवर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क W इज कन्वर्टेड इनटू हीट, मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई जब भी हम वर्क करते वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ, ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो जो हमने वर्क किया, जितना हमने वर्क किया उतनी अमाउंट की हीट हमारी बॉडी में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जितना आप ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम वर्क करोगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो whenever a given amount of work W is converted into heat, always the same amount, ये वर्ड समझो, same amount मतलब जितना आपने वर्क किया है same amount of heat produce, जितनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, हीट एनर्जी हुआ। वर्क जितना आप वर्क कर रहे हो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट क्यू, हीट एनर्जी क्यू, तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो W इक्वल्स टू J इंटू क्यू। और ये जो J है, J यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, समझना, J कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट J क्या है, J इज अ मैकेनिकल, जूल्स मैकेनिकल कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे J इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, वर्क डिवाइड बाय हीट एनर्जी। J कॉन्स्टेंट है, J क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो J is a joules mechanical constant is equals to ratio of the work done to the heat energy। तो यहाँ पे ये जो J है, ये J को अगर हम define करें, मतलब joules mechanical constant को अगर हम define करें, तो ये क्या हुआ, तो the amount of work that must be done to produce a unit quantity of heat, मतलब Q equals to 1 कर लेते हैं हम यहाँ पे, Q equals to 1 कर लो तो J equals to क्या हो गया, W हो गया, मतलब यूनिट अमाउंट ऑफ हीट अगर हमको प्रोड्यूस करनी है, ओके, यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट हमको प्रोड्यूस करनी है, तो जितना अमाउंट का वर्क हम करते हैं वो क्या होगा, इट इज द जूल मैकेनिकल कॉन्स्टेंट, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क That must be done to produce a unit quantity of heat. मतलब unit quantity of heat को produce करने के लिए जितना work करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं joule mechanical constant. Okay. तो ये जो joule mechanical constant है इसका value क्या है, तो joule mechanical, कल हमने एक relation देखा था कि one calorie equals to how much joule, तो one calorie equals to 4.186 joule हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे, 4.186 joule। तो ये जो 4.186 है ये actual में क्या है, तो ये क्या है, joules mechanical constant है। तो ये joule mechanical constant हमको क्या मिलेगा, 4.186 joule into calorie हो गया, ये क्या हो गया, joule into calorie। समझो कि भाई हमारा 1 कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, 4.186 जूल, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 4.186 कैलोरी इस साइड आ गया, तो जे कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, 4.186 जूल पर कैलोरी। तो जूल पर कैलोरी उसको हम क्या ले सकते हैं, तो इट इज जूल इंटू कैलोरी इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल इंटू कैलोरी इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल कॉन्स्टेंट। तो एक्चुअली ये क्या है, तो ये जो जूल मैकेनिकल कॉन्स्टेंट है ना, ये हमको कन्वर्जन रेशियो देता है कि भाई 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी है उसको अगर हमको ऐसा यूनिट, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे
जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी कैलकुलेट करते हो, एनर्जी या वर्थ या कुछ भी आप कैलकुलेट करते हो, तो वो ऑलवेज हम किस में कंसिडर करते हैं, जूल में कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको कैलोरी में एनर्जी दी है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो उसको इसलिए हम जूल कांस्टेंट को यहाँ पे यूज करते हैं, और वो क्या है, जी इक्वल्स टू 4.186 जूल इंटू कैलोरी इनवर्स एंड 4.186 इंटू 10^7 अर्ग इंटू कैलोरी इनवर्स कितना है, 4.186 इंटू 10^7 अर्ग इंटू कैलोरी इनवर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर, जो हमने कल भी डिफाइन किया था कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या है, तो हीट क्या है कि भाई हमारे अंदर जो हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, दैट कॉल द हीट, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। बट ये जो हीट है इसको जो मेजर करता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी का जो हॉटनेस और कोल्डनेस है, मतलब कितना हीट उसमें प्रोड्यूस हुआ, वो हमको कैसे पता चलेगा, तो दैट इज मेजर, या बॉडी कितनी हॉट है या बॉडी कितनी कोल्ड है वो हमको कैसे पता चलेगा, तो इट इज फ्रॉम द इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, उसको हम टेम्परेचर की टर्म्स में मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ओके, फिर उससे आगे चले तो मैकेनिकल काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि भाई ये टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है। तो हमको पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करते हैं, अब ये जो हीट है एनर्जी है, एनर्जी है मतलब बॉडी को जैसे ही हीट एनर्जी मिलती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो दे आर परफॉर्म द ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटरी मोशन। तो ये मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी या रोटरी, कोई भी, या तीनों मोशन ये मॉलिक्यूल्स परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे मोशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, क्या हो रही है, मोशन हो रही है, दैट मींस कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये जो काइनेटिक एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब हम ये काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालते हैं तो वो क्या देता है, तो दैट गिव्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, या हम ये भी कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ, क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी किसका मेजर है, इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कौन सी है, तो ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटरी मोशन की वजह से जो हमको काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसका एवरेज हम ले लेते हैं, सबका एवरेज हम निकाल लेते हैं, तो उसपे से हमको मिलेगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उसपे से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके, तो ये क्या हुआ, ये तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन हुआ। ओके, कि भाई हीट एनर्जी दे रहे तो क्या होता है और क्यों टेम्परेचर बढ़ता है, तो मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ओके, जैसे कि हम जॉगिंग करते हैं, हमारा ब्लड है वो फास्ट सर्कुलेट होगा, जब ब्लड फास्ट सर्कुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी मोशन बढ़ी, ब्लड मॉलिक्यूल्स है उसकी मोशन बढ़ी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। ओके,
अब इससे थोड़ा हम आगे चले कि भाई ये तो बेसिक हो गया कि भाई हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो हीट का जो है अभी हम उसका मेजरमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम क्या समझेंगे टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे, क्योंकि टेम्परेचर का मेजरमेंट हमको समझ में आएगा तभी जाके हम हीट का मेजरमेंट समझ सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट। अब ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट है तो इसको फिजिक्स में हम कहते हैं थर्मोमेट्री, फिजिक्स में हम उसको क्या कहते हैं थर्मोमेट्री। तो ये जो थर्मोमेट्री है, थर्मोमेट्री क्या है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। क्या है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। ओके, तो इस पे से हमको थर्मोमेट्री समझ में आता है, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसमें से आप आपके नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो हम उस पे से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम आगे समझते हैं थर्मोमेट्री है। थर्मोमेट्री में पहला है हमारा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ओके, तो ये थर्मोमीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एनी डिवाइस दैट मेजर या यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, ना कि भाई थर्मोमीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। तो ये हो गया हमारा थर्मोमीटर। अब ये जो थर्मोमीटर है इसका प्रिंसिपल क्या है, कि भाई किस प्रिंसिपल पे ये थर्मोमीटर वर्क करता है, कोई हमको पूछ ले कि भाई थर्मोमीटर का प्रिंसिपल, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर समझेंगे, डिफरेंट थर्मोमीटर, क्योंकि आपको अब तक जो पता है कि भाई कुछ बेसिक थर्मोमीटर ही पता होंगे, कि जैसे कि हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर आप जानते हो, ओके, कि जो नॉर्मली हम और डॉक्टर्स यूज करते हैं, फिर शायद आपको थर्मोकपल भी शायद पता होगा, ओके,
कि जो हमारे जो ऑटोमेटिक डिवाइस होती है उसमें या जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में हम थर्मोकपल को यूज करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर हम यहाँ पे समझेंगे। इससे पहले हमको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि भाई प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर। मतलब कि हम कुछ ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी हो कि जो टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं, जैसे कि समझो यहाँ पे मर्क्यूरी थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी को यूज करते हैं। अब ये मर्क्यूरी को हम क्यों यूज करते हैं? तो मर्क्यूरी क्या होता है कि भाई जैसे इसका टेम्परेचर, मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ये लीनियरली टेम्परेचर से लीनियरली ये एक्सपांड होना स्टार्ट करता है और थर्मोमीटर में उसका स्केल क्या है, बढ़ने लगता है। मर्क्यूरी का लेवल क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मर्क्यूरी का लेवल वहां पे बढ़ने लगेगा, क्योंकि मर्क्यूरी वहां पे क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो ये जो मर्क्यूरी क्या है, सब्सटेंस है, और इसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है कि भाई जैसे टेम्परेचर वेरी होता है वैसे ये क्या होता है, एक्सपांड होना स्टार्ट करता है, जिससे हमको थर्मोमीटर में उसका स्केल बढ़ते हुए मिलता है, तो जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं, तो थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच चेंजेस linearly with temperature, मतलब temperature के साथ उसका change क्या होता है, linearly होता है। जैसे कि मैंने आपको example दिया कि mercury है, mercury क्या होता है, तो temperature के विथ रिस्पेक्ट टू लीनियरली वो एक्सपांड होता है, जिससे थर्मोमीटर में उसका स्केल बढ़ता है। ओके, ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो जिससे आपको उसका जो सब्सटेंस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, वो भी हमको यहाँ पे समझ में आएगा। तो थर्मोमीटर का सिंपल सा प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान में रखना है, तो थर्मोमीटर make use of some measurable property of substance, which changes linearly with temperature। तो उसको हम बोलते हैं principle of thermometer। और thermometer क्या है, any device used to measure temperature of body is called the थर्मोमीटर, इसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, तो ये थर्मोमेट्री क्या है वो हमने यहाँ पे देखा, थर्मोमीटर क्या है वो हमने यहाँ पे देखा है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर हमने यहाँ पे समझा। अब हम आगे देखते हैं, तो टेम्परेचर स्केल या थर्मोमेट्रिक स्केल्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक मैट्रिक स्केल, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोमेट्रिक स्केल।
बी। तो यहाँ पे आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, ओके बेटा। तो नॉर्मल जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, तो जब लोअर पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और हायर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर को कुछ डिवीजन में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में उसको 100 डिवीजन में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। एंड ईच डिवीजन मेजर द 1 डिग्री सेल्सियस। वो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस ईच डिवीजन मेजर करता है। क्या किया, तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का स्केल हमने लिया और वो स्केल को वहां पे थर्मोमीटर पे उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 100 पार्ट ईच पार्ट 100 में से ईच पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करता है। ये ऐसे रैंडमली नहीं होता है, उसको कैलिब्रेट किया जाता है और कैलिब्रेट करने के बाद हम उसको स्केल में डिवाइड कर सकते हैं, ओके बेटा। तो यहाँ पे ये जो लोअर पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट है और ये जो हायर फिक्स पॉइंट है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस हमने लिया, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कि आइस जहां पे मेल्ट होता है, ओके। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, कि भाई प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर आइस है वो मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है। तो उस दोनों को रेफरेंस लेके, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, उसको रेफरेंस लेके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्केल को डिफाइन किया गया, जिसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक स्केल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो थर्मोमेट्रिक स्केल है, ये थर्मोमेट्रिक स्केल में पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हमारा स्केल है द सेल्सियस स्केल। कौन सा है, तो द सेल्सियस स्केल, ओके। तो ये जो सेल्सियस स्केल है उसमें जैसे मैंने, हमने अभी जो बात की वो कौन सा था, सेल्सियस स्केल की हमने बात की, नॉर्मल थर्मोमीटर उसको 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल में क्या होता है, तो ऑन दिस स्केल द लोअर पॉइंट इज टेकन एज अ 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज अ 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे अभी हमने बात की, तो ऑन दिस स्केल लोअर पॉइंट इज टेकन ऑन 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो टेकन ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर और हायर अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस, इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। तो अब हम समझते हैं कि भाई 0 से लेके 100 डिग्री, तो द इंटरवल
द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इन टू द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट is divided into hundreds divided into hundred division or hundred scale या hundred equal parts into hundred equal parts and each part मतलब each division या each part है each part is called या represent 1 degree Celsius. हर एक part कितना degree Celsius represent करता है 1 degree Celsius represent करता है मतलब सेल्सियस स्केल है सेल्सियस स्केल में लोअर पॉइंट 0 degree सेल्सियस अपर पॉइंट 100 degree सेल्सियस कितने डिवीजन तो पूरा 0 to 100 है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं अब 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हर एक पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा कितना डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा तो हर एक पार्ट 1 degree सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है तो सिंपल आपको ये चीज पता है और पता होनी चाहिए सेकेंड हम देखते हैं द फेरनहाइट द फेरनहाइट स्केल हीट स्केल अब फेरनहाइट स्केल आपको शायद थोड़ा बहुत तो फेरनहाइट स्केल के बारे में पता होगा तो दूसरा स्केल हमारा है फेरनहाइट स्केल अब फेरनहाइट स्केल में क्या होता है तो इसका जो लोअर पॉइंट इज एट द 32 डिग्री सेल्सियस अब सब में सेमी ऑन दिस स्केल लोअर पॉइंट इज टेकन एज 32 degree Fahrenheit एंड अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 212 degree Fahrenheit कितना अपर 212 Fahrenheit पे हम अपर फिक्स पॉइंट लेते हैं अब यहाँ पे लोअर से अपर हम समझे तो कितने डिवीजन हुए तो 180 डिवीजन होते हैं तो द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट is divided into 180 equal parts कितने equal parts में divide होता है 180 equal parts में divided into 180 equal parts and each part is called 1 degree
फ़ारेनहाइट, कितना हम लेते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोअर पॉइंट कहाँ पे है 32 डिग्री, अपर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर पॉइंट कहाँ पे है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टोटल कितने डिवीजन हुए 212 माइनस 32 करो तो 212 माइनस 32 180 डिवीजन हुए। तो टोटल जो इंटरवल है वो इंटरवल हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 180 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो वन पार्ट कितना रिप्रेजेंट करता है, इच पार्ट रिप्रेजेंट द 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट स्केल द केल्विन स्केल। नेक्स्ट हमारा क्या है द केल्विन स्केल। तो द केल्विन स्केल क्या है, तो केल्विन स्केल हमको पता है बेटा, तो ये टोटली लोअर फिक्स पॉइंट इसका कहाँ पे होता है 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे हम जीरो कन्वर्जन आप लोगों ने शायद समझा होगा, किया होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम राउंड फिगर में क्या लेते 273 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे ऑन दिस स्केल जो लोअर पॉइंट है, ऑन दिस स्केल लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 273.15 केल्विन। ये 15 केल्विन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है, ओके 273.15 केल्विन। बट हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको राउंड फिगर में 273 कंसीडर कर लेते हैं। एंड अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 373.15 degree Kelvin। टोटल इंटरवल कितने हुए, तो टोटल इंटरवल हो गए 100। तो द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज रिप्रेजेंट और कॉल्ड 1 केल्विन। कितना हम उसको ले सकते हैं 1 केल्विन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया द केल्विन स्केल, द सेल्सियस स्केल, द फ़ारेनहाइट स्केल एंड द केल्विन स्केल। मेन ये 3 टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल है जिसपे से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसकी नोट बना लो, राइट डाउन, तीनों स्केल लिख लो।
बेटा तो इससे ये मेन टेल तीन स्केल हमको बुक में दिए हैं, बट इसके अलावा एक स्केल है जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं तो हमारे सारे स्केल यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। जो ये फोर्थ स्केल है द र्यूमर स्केल, वो ज्यादा हम मतलब हमारी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट हमको पता होना चाहिए, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारा फोर्थ स्केल है द र्यूमर स्केल, कौन सा है? रूमर नहीं, र्यूमर। ओके, द आर ए यू एम ई आर, र्यूमर, र्यूमर स्केल। ओके, ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता है बट हमको पता होने चाहिए। तो सेम टू सेम ऑन दिस स्केल, दिस स्केल लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 0 degree rumor and the upper scale, yeah, upper fixed point, upper fixed point is taken as 80 degree rumor, कौन सा है? 80 degree upper fixed point is taken as 80 degree rumor. तो the interval between two fixed point is divided into 80 parts. कितने में डिवाइड होगा? इट इज डिवाइडेड इंटू 80 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट is called 1 degree rumor. उसके जैसा ही है। अपर लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ पे है? 0 degree rumor. अपर फिक्स पॉइंट कहाँ पे है? 80 degree rumor. तो टोटल ये स्केल 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट को हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं? हर एक पार्ट को 1 degree rumor रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे हो गए थर्मोमेट्रिक स्केल। ओके, सारे थर्मोमेट्रिक स्केल अच्छे से एक बार पढ़ लो, टेम्परेचर क्या है वो पढ़ लो, थर्मोमेट्रिक क्या है वो पढ़ लो, इसका नोट्स बना लो, ठीक है। इसके बाद हम आगे के क्लास में इसका जो रिलेशन है सारे थर्मोमेट्रिक स्केल का रिलेशन समझेंगे और उसपे से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे।